Hello guys, welcome to our YouTube channel. So this is our first vlog we are going to shoot. So आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पिंजौर गार्डन. तो आगे की वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो नाउ. अपनी टिकट्स ले लिए जिसके लिए आपको 25 रुपीस ईच पे करना पड़ेगा. अगर आपको कैमरा लेके आना है तो आपको 11,800 रुपीस की एक स्लिप काटनी पड़ेगी. तो वी एडवाइज यू कि आप फोन लेके ही आओ. तो जो ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है वो मुग़ल आर्किटेक्चर से बनाया गया है. वो जो मुग़ल आर्किटेक्चर था उसी की तरह इस पूरे गार्डन का जो नक्शा है वो उसी तरह बनाया गया है. और ये मुग़ल्स ने ही बनाया है. फिदई खान एक मुग़ल थे, उन्होंने ये गार्डन बनाया था. बट इस गार्डन को यदविंद्रा गार्डन भी बोलते हैं क्योंकि बाद में जो रिनोवेशन का काम है जो भी कुछ करवाया था वो एक यहाँ के जो लोकल किंग थे जिनका नाम ही यदविंद्रा था तो वो उन्होंने करवाया था. तो इसलिए इस गार्डन के दो नाम हैं. बट ब्यूटीफुल बहुत है एक्चुअली. जब आप पिंजौर गार्डन आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टेप बाय स्टेप किसी एक अलग उसमें जा रहे हो, अलग रूम खुल रहा है. काइंड ऑफ गेमिंग की तरह लगता है कि आप एक चीज़ क्रॉस कर रहे हो. पहले ये शीश महल था, अब सामने रंग महल है और दोनों तरफ शायद ये मैंगो ट्रीज है. सो आई होप गाइस कि आपको अच्छी लग रही होगी ये वीडियो. तो अभी अगर आप मेरे राइट साइड पे देखोगे तो वो है रंग महल और अगर मेरे लेफ्ट साइड पे देखोगे तो हमने जो विज़िट किया अभी वो था शीश महल. तो इसके आगे से वैसे वैसे ही अभी ये तो नहीं पता कितना लंबा है बट यहाँ से देखने में ऐसे लग रहा है कि अभी बहुत और महल आने वाले हैं. तो हम और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे. लेट्स गो. अपना पूरा दिन भी बिताना पड़े तो मैं खुशी खुशी बिता दूँगी. बट थोड़ी गर्मी है जो आपको बेयर करनी पड़ेगी क्योंकि पता नहीं क्यों अभी सितंबर है फिर भी गर्मी है, वो आपको बेयर करनी पड़ सकती है. तो अगर आप आना चाहो यहाँ पे, अगर आप आसपास रहते हो, इवन आप हिमाचल, चंडीगढ़ और भी नज़दीक वाली जो भी जगह है अगर आप वहाँ पर रहते हो तो आप यहाँ पर आके विज़िट करो तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा. आपको प्रॉपर एक फीलिंग आएगी कि आप कहीं पे तो घूम के आए. और ख़ासकर ऐसे कोविड में सारे लोग बोर हो गए हैं तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपको लाइफ में बहुत खुशी देगी. तो इन्जॉय. स्टेप डाउन टू द थर्ड लेडर स्टेप. हम नीचे जाएंगे, देखते हैं अभी क्या है. पिक्चर्स क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है
परफेक्टली मैच करता है और आपकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आएंगी। तो अगर आप फोटोज़ खिंचाना चाहते हो तो आप यहाँ पर खिंचा सकते हैं। क्योंकि सबको पता है कि लॉकडाउन था और अभी भी सिचुएशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आई गेस इसीलिए ये फाउंटेन्स वगैरह और ये सब कुछ नहीं चल रहा है। जबकि पर अच्छी बात ये है कि प्रॉपर सफाई हो रही है और सब कुछ अच्छा है। तो अभी हम जल महल के सामने हैं जिसके दोनों तरफ फाउंटेन्स हैं और आई कैन बेट कि अगर ये फाउंटेन्स चलते तो ये जो व्यू है वो 10 times बेटर होता और अच्छा लगता। बट अभी ठीक है जैसा भी है, बट अगर कोई एक जब ये फाउंटेन्स चलेंगे और उस टाइम पे आप विज़िट करते हो तो आप यहाँ पे बैठ के एक अच्छा व्यू ले सकते हो। प्लस यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे ना तो एक फूड कोर्ट है, तो आई थिंक वहाँ पे कुछ स्नैक्स और कुछ ये वो फूड कुछ मिलता होगा। दो प्राइसेस हाई होंगे आई गेस, बट आप एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आपको भूख लग रही है तो यहाँ पर आप जाके यहाँ का खाना ट्राई कर सकते हो। तो ये पूरा इंटीरियर व्यू, इंटीरियर हम आपको दिखाएंगे जो अभी हम जल महल में हैं, तो उसका जो इंटीरियर है, इवन जो पूरे जो इसका जो पूरा आर्किटेक्चर है, जो भी हमने इसमें भी अभी इससे पहले भी बिल्डिंग्स देखी, तो पूरा का पूरा मुगल इंस्पायर्ड है। जो ऊपर फ्लावर्स बने हैं, जो आर्ट है, तो वो कैन यू सी वो इतना ब्यूटीफुली बनाया है और इसको मेनटेन भी करके रखा है। तो ये पूरा का पूरा मुगल से इंस्पायर्ड है। फाइनली हम पहुंच गए एग्जिट गेट पे। एंट्री और एग्जिट दोनों एक ही साइड से है, तो आप यहाँ से तो नहीं कर सकते एग्जिट। और फाइनली हम यहाँ पे वीडियो भी ख़त्म करेंगे। हमें तो ये वीडियो बना के बहुत अच्छा लगा, तो आप बताओ कि आपको कैसा लगा, आपको प्लेस अच्छा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट भी करो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और डेफिनेटली विज़िट करो एक बार ये वाला प्लेस, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।